हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे देखा और इंस्टाग्राम रील पे देखा कि एक मेकअप ट्यूटोरियल, स्पेशली एक आई लुक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, दैट इज दिस सायरन आई लुक, दैट व्हाट आई हैव क्रिएटेड टुडे। सो मेरे को पता नहीं था कि हम यही वाला आई लुक वॉज डूइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हम बहुत मन से यही आई लुक क्रिएट कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, बट इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। अब क्योंकि नाम पता चल गया कि इसको सायरन आई लुक बोला जाता है, तो मेरा वर्जन ऑफ सायरन आई लुक इज काइंड ऑफ दिस, इफ यू कैन सी दैट। सो सायरन आई लुक इज बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये वही बाकी आई लुक की तरह है, जैसे कि फॉक्सी आई लुक आया था, फिर डो आई लुक आया था, देन पपी आई लुक आया था, विंग्ड आई लाइनर लुक आया था। तो इट्स जस्ट अनदर आई मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत ईजी है करना, येट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल सीखना है विद द मेकअप दैट आई हैव अचीव टुडे, यू गाइज हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। होता है ना, सम डेज यू फील लाइक ओके दिस इज योर डे टुडे। देख रहे हो ग्लो, ये ग्लो नहीं है, पसीना है, ये दो स्ट्रिंग्स बनाने में मेरा जो हालत खराब हुआ है ना गाइस। एनीवेज वी विल यूज द कंसीलर फर्स्टली बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, जस्ट दैट दी जो मेकअप है ना ये ही सारा चीज़ करेगा। आई गोइंग टू यूज दिस वन एंड दिस वन इज एल्फ कंसीलर। ये बहुत ही लाइट वाला कलर है, लाइट बेज है। ब्लेंड दिस आउट, थोड़ा सा सेट कर लेंगे विद द सेटिंग पाउडर बाय फिट मी और वो स्मूथ कर देते हैं टेक्सचर पूरा एरिया, बिकॉज कंसीलर से ना वो रफ पैचेस हो जाते हैं। सो यू जस्ट वर्क ऑन दैट, बोथ साइड में टेप लगा लेते हैं सो दैट वी जस्ट डोंट गेट गो ओवरबोर्ड विथ एनीथिंग व्हाटसोएवर व्हाटसोएवर। बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हम, रियलाइज हुआ मेरे वीडियोज में, देखते एकदम कॉर्नर लाइन से करेंगे जस्ट सो आई डोंट नो वेदर ये इक्वल हुआ कि नहीं। एक प्लीज, आज यूज करेंगे हम लोग रॉक कैंडी का पैलेट, द वन दैट आई हैव शोन इन माई प्रीवियस वीडियो, और इसमें से ना द लाइटेस्ट ब्राउन शेड जो होगा वो लेंगे, दैट इज द स्ट्रिक्टली टेक्टोनिक, आई थिंक स्ट्रिक्टली टेक्टोनिक ऐसा दिखेगा कुछ, और ऐसा ब्रश लेंगे। दिस इज अ ब्लेंडिंग ब्रश बट एट द सेम टाइम आपका ब्रश ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा स्प्रेड आउट ना करे आपके प्रोडक्ट्स को। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। हम लोग सिर्फ आउटर कॉर्नर से चालू करेंगे और क्लोजर टू द लैश लाइन, ये जो विंग आ रहा है ना धीरे धीरे, वी नीड दिस विंग, दैट्स इट द शेड दैट हैज कम अप ओवर हियर। दैट्स, अब हम लेंगे एक एंगुलर ब्रश, ये मर्फी का है, और इसमें से ये जो ब्लैक शेड है ना इसमें थोड़ा सा शिमर है आई नो, बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज दिस वन विच इज हॉट स्पॉट। आई डोंट नो कितना विजिबल हो रहा है बट हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके यूज करने का कोशिश कर रहे हैं सो आई गेट दैट प्रिसिजन। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनी मिस्टेक, अगर मिस्टेक होता भी है वी विल टेक केयर ऑफ दैट। विल गो विद द इनर कॉर्नर, यहाँ से बीच का बिल्कुल खाली रहेगा। सायरन लुक इज अबाउट बीच में एम्प्टी। दैट्स इट, फिलहाल के लिए ये रखते हैं बिकॉज आई विल गोइंग टू यूज माई लिक्विड आई लाइनर एज वेल जस्ट टू गिव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लैकनेस टू दिस आई लुक। आई गो वेरी स्लो विथ माई हैंड और पहले वाले पैलेट से आई विल यूज द स्ट्रिक्टली टेक्टोनिक जो हम लोगों ने आउटर कॉर्नर में यूज किया था उसको ना थोड़ा सा डायमेंशन देने के लिए ना आई विल गोइंग टू यूज दिस शेड यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जस्ट अ डायमेंशन। सी This is what I need, and that's it.
let's just give this eyeshadow a proper boldness. I will use my gel eyeliner as usual with a fine tip wala, you know, brush. और ये वाला ना हम लिए थे, ये ना नेल आर्ट का ब्रश है. आई थिंक दे हैव द फाइन टिप ऑफ इट. आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज बीच का खाली रखना है और जो भी करना है इस आउटर कॉर्नर में करना है. यू गॉट बी कीडिंग मी. बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है इन सब काम के लिए. इवन दो ये सिंपल लुक है, इट्स द टफेस्ट वन बिकॉज आपको वो फाइन चीजें देखनी होती है, राइट? आई थिंक आई एम हैप्पी, बट थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे जस्ट बिकॉज मेरे को मिडिल पार्ट का गैप रखना है. बट दैट डजंट मीन कि अब हम थोड़ा सा और ऊपर नहीं जा सकते. वेरी प्रिसाइज विद दिस. ओके, आई नॉट डू, आई विल मेक इट अ सरप्राइज. लेट मी डू दिस अदर आई ऑफ कैमरा. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि दोनों को इक्वली इस्टेब्लिश कर सके. आई हैव नो आइडिया क्योंकि टेप रिप्लेसमेंट गलत हुआ था. तो आई एम गोइंग टू स्नैच आउट दिस एंड सी हाउ फ्लिक दिस इज. आई थिंक ये ज़्यादा फ्लिक हुआ है इससे, बट एट द सेम टाइम बोथ आर लुकिंग लाइक नॉट दैट बैड बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज वेल. अब एक पेंसिल ब्रश से वही स्ट्रिक्टली टेक्टोनिक यूज करेंगे एंड देन वी विल जस्ट गोइंग टू यूज इट यहाँ पे. गोइंग बैक टू माई पैलेट और उसमें से जो ब्लैक वाला शेड लिया था जिसका नाम हॉट स्पॉट था, वी विल यूज दैट शेड इन द एंगुलर ब्रश. और दिस टाइम हम लोग अब सिर्फ स्टैम्प करेंगे यहाँ पे. स्टैम्पिंग आई विल गो हाफ. I'll be very precise because अब ये गीला हो गया है ना. That's the look. That's the snatch look. But we are not finished yet क्योंकि बीच का क्योंकि खाली है और वो खाली नहीं रहेगा. I'm showing you what we will going to do. Brush लेंगे like this. ये भी नेल आर्ट वाला ही ब्रश है. विल चूज द ग्लिटरी शेड विच इज इन दिस सिल्वर कलर नेम एज सॉलिड. विल यूज दिस सॉलिड. भाई कलर भी सॉलिड है. आई डोंट नो वेदर आपको दिख रहा है या नहीं. ग्लिटर आई शेडो था इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट आई एक्चुअली डिड इट और मेरे को इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा लगा. क्योंकि मेरे को ओवरबोर्ड नहीं करना है इसलिए हम ये गैप ही रखेंगे बिकॉज आई लाइक द वे दिस इज लुकिंग राइट नाउ. अब हम लोग अपना मेकअप फिनिश करते हैं. आई जस्ट हैव टू क्लीन अप दिस पोर्शन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग गया है. तो आई विल जस्ट गोइंग टू प्ले विद अ ट्रिक. यूज अ मैच स्टिक क्योंकि मैच स्टिक में प्रिसिजन आपको ज्यादा मिलेगा. टेक अ लिटिल कॉटन, जितना छोटा कॉटन हो सके बिकॉज आपको सिर्फ वो प्रिसाइज वाला चीज रिमूव करना है इन अ प्रिसाइज वे. सो रोल अप, मेक अ ईयरबड काइंड ऑफ स्टफ फॉर माइसेल्फ वाटर. Deep into it. ये पोंछ देंगे. See?
Good. We'll finish up the eye makeup with using Sky High Mascara. इसका अगर रिव्यू आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये चेक कर लेना हाउ दिस परफॉर्म्स. आई विल यूज बहुत अच्छे से सिर्फ कॉर्नर में, बिकॉज हम आई लैशेज यूज नहीं करते और इस वाले लुक में ना पीपल आर जनरली यूजिंग आई लैशेज कॉर्नर साइड में, ताकि वो आई मेकअप को मौका मिले उभर के आने का. जस्ट बिकॉज आई डोंट यूज आई लैशेज इसलिए आई एम यूजिंग दिस मस्कारा टूडे. अब हम लोग क्विकली अपना फेस भी मेकअप कर लेते हैं जल्दी जल्दी. प्राइमर ऑन द एरिया जहाँ पोर्स हैं मेरे. नेक्स्ट आई विल यूज माई टिंटेड मॉइस्चराइजर कंसीलर. सिर्फ फोकस कर रहे हैं डार्क एरियाज में, दैट्स इट. अब सिर्फ सेट कर लेंगे फेस को. सो आई एम यूजिंग माई फिट मी का लूज सेटिंग पाउडर. आईब्रोज को सेट करेंगे आज, तो इसलिए सिर्फ आज ग्लिसरीन सोप यूज करेंगे सो दैट वो वैक्सी टेक्सचर आए. रिमन लंडन का ब्रॉन्जर यूज करेंगे पूरे चिजल फेस के लिए, क्योंकि ये अच्छा लगेगा इस लुक पे. एंड देन आई विल यूज माई ब्लशर एज यू कैन सी दैट. लास्टली हाइलाइटर फ्रॉम फेंटी ब्यूटी एंड आई एम डन गाइज. वेल गाइज, तो ये होगा मेरा फाइनल लुक फॉर द सायरन आई मेकअप ट्यूटोरियल. बताओ आपको ये, इवन दो ये उतना सिंपल नहीं है बट इट्स लाइक सो सैसी एंड मैंने फर्स्ट टाइम अपना कोई हेयर स्टाइल किया है. यू सी, इस चैनल में आपको हेयर स्टाइल्स नहीं दिखेंगे, यहाँ सिर्फ मेकअप और ब्लॉग्स दिखते हैं. तो हेयर स्टाइल के लिए कोई और चैनल सब्सक्राइब कर लेना. फिलहाल मेकअप रिलेटेड या ब्लॉग रिलेटेड अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना. बताओ वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेकअप लुक. If you want to know anything related to any other videos of mine, let me know that also in the comment section. You have to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and I will see you in the next video. Bye!